रूस यूक्रेन के बीच आज सातवां दिन है। बावजूद इसके रूस अब तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सका है। तमाम रक्षा विशेषज्ञों का यही कहना था कि रूस मात्र कुछ घंटों में ही यूक्रेन को चींटी की तरह मसल देगा, लेकिन ठीक इसके विपरीत यूक्रेन आज सातवें दिन के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं। हार मानने की तो दूर की बात है, यूक्रेन रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दुनिया के तमाम मीडिया रूस के शक्तियों के बारे में ही बात करते दिख रहे हैं, लेकिन उस यूक्रेन की कोई बात नहीं कर रहा जिसने अपने दमदार हथियारों की बदौलत पुतिन का दिमाग खराब कर दिया है और अब बौखलाए पुतिन परमाणु हमले की धमकी भी दे चुके हैं। दोस्तों, हम सभी यही सोच रहे थे कि यूक्रेन रूस के सामने एक दिन से ज्यादा नहीं टिक सकेगा, लेकिन यह यूक्रेन के दमदार हथियारों की ताकत का नमूना ही है कि आज यूक्रेन के सामने रूस नाको चने चबा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में यूक्रेन के ऐसे ही एक घातक हथियार के बारे में जानेंगे जिसने यूक्रेन के टैंकों सहित पूरे के पूरे मिलिट्री ट्रेन को ही तबाह कर दिया है। दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल करने लगा है। यूक्रेन के बड़े शहर पर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों का यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग में एक ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो रूसी सैनिकों पर काल बनकर टूट रहा है। दरअसल इस ड्रोन का नाम है TB2। इस ड्रोन को यूक्रेन ने तुर्की से खरीदा था। इसी ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रूस की तेल से भरी पूरी ट्रेन उड़ा दी। ये वही ट्रेन थी जो रूसी सेना को ईंधन सप्लाई करने जा रही थी। इसके अलावा यूक्रेनी मीडिया का यह भी दावा है कि यूक्रेन ने इसी ड्रोन की मदद से रूस के आर्मी के एक पूरे कॉलम को तबाह कर दिया है। दरअसल बेयर कतार नाम का यह ड्रोन यूक्रेन के सबसे घातक हथियारों में से एक माना जा रहा है। रूस की सेना जब इस ड्रोन को आसमान में उड़ती हुई देखती है तो उनमें खलबली मच जा रही है। आपको बता दें कि बीते साल अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख युद्ध के दौरान तुर्की में बने इस लड़ाकू ड्रोन ने अर्मेनिया की सेना को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। रिपोर्ट का कहना है कि यूक्रेन की सेना इस ड्रोन का खूब इस्तेमाल कर रही है जो रूस को खूब नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेन की सेना ने सार्वजनिक तौर पर इसके इस्तेमाल के फुटेज भी जारी किए हैं। इस ड्रोन के ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि रूस के 64 किलोमीटर लंबे टैंकों के बेड़े पर यूक्रेन ने इसी ड्रोन से हमला बोल दिया है। अगर हम वायर कतार TB2 ड्रोन के ताकत की बात करें तो यह ड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड और लंबे समय तक उड़ान भरने वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसे रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जाता है। यह ड्रोन ऑटोमेटिक भी संचालित हो सकता है, यानी यह ड्रोन अपने आप भी उड़ान भरने और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस ड्रोन को तुर्की की कंपनी बायकार डिफेंस बनाती है। आमतौर पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल तुर्की की सेना ही करती है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि बैर कतार की मदद से उसने रूस के एक तेल के ट्रेन को तबाह कर दिया है। खारकिव के पास भी इस ड्रोन ने रूसी सेना में भीषण तबाही मचाई है। रूस की सेना के एक पूरे कॉलम को तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ रूस की समाचार एजेंसियों ने सेना के हवाले से कई TB2 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने साल 2019 में तुर्की से यह ड्रोन खरीदने शुरू किए थे। बैर कतार TB2 का तुर्की की कंपनी बेकार ने तैयार किया है। यह मानव रहित ड्रोन TB2 138 मील प्रति घंटा यानी 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपने साथ 4 स्मार्ट मिसाइल या 303 पाउंड विस्फोटक ले जा सकता है। यह ड्रोन 18,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यूक्रेन के पास अभी कितने TB2 ड्रोन हैं यह साफ नहीं है, लेकिन जुलाई 2019 में यूक्रेन ने 6 ड्रोन खरीदने का सौदा किया था। इसके बाद 24 ड्रोन और खरीदने का सौदा हुआ था। आपको बता दें कि तुर्की का बायर कतार TB2 ड्रोन कई युद्धों का रुख मोड़ चुका है। नागोर्नो काराबाख, लीबिया, सीरिया और हाल ही में इथोपियाई टारगेट युद्ध में बायर कतार ड्रोन की सफलता ने और अब यूक्रेन में इसे चर्चा का विषय बना दिया है। आपको बता दें कि नाटो के कई सदस्य देश इस ड्रोन की खूबी देखकर तुर्की से खरीद चुके हैं, जबकि कई और नाटो देश इसे खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, TB2 ड्रोन यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होता जा रहा है। इस हथियार ने रूसी सैनिकों सहित पुतिन को भी बौखला दिया है। दोस्तों, हर युद्ध में एक देश की गलती होती है जिसकी वजह से युद्ध का आगाज होता है। आपके हिसाब से इस युद्ध के शुरू होने की वजह कौन सा देश है, रूस, यूक्रेन या कोई और? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली भविष्य की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।